हेलो एवरीवन तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ आज के एग्ज़ाम के आंसर के डिस्कस करने वाले हैं आज आप लोगों का बायो का एग्ज़ाम था और उसके अंदर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जिनके अंदर कुछ बच्चों को डाउट था तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं दैट आउट ऑफ ट्वेंटी आपने कितना स्कोर किया ऑफिशियल आंसर की बाद में ही आती है बोर्ड्स की तरफ से बट एक प्रिडिक्टेड आंसर की आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो एग्ज़ाम आप कुछ घंटे पहले अभी दे के आए हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था एन एनजियोस्पाम एम्ब्रियोसैक इज लोकेटेड विद इन अब कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन थी कि इसका आंसर न्यूसेलस लिखें या फिर इसका आंसर मेगास्पोरेंजियम लिखें तो मेगास्पोरेंजियम इसका मेन आंसर आना चाहिए बट न्यूसेलस के अंदर भी प्रेजेंट है तो न्यूसेलस भी इसका सही हो सकता है बट मेगास्पोरेंजियम तो हंड्रेड परसेंट सही है क्वेश्चन नंबर टू में मैच द फॉलोइंग था और मैच द फॉलोइंग में आपके रेशोस को मैच करना था अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो मेंडेलियन की मोनोहाइब्रिड क्रोस मेंडेलियन की डायहाइब्रिड क्रोस डायहाइब्रिड है नाइन थ्री थ्री वन तो सेकेंड का बन गया फोर फर्स्ट का बन गया थ्री रेशो वन फर्स्ट का थर्ड एंड सेकंड का फोर्थ सेन सो इसका बनता है हमारे पास दैट इज फर्स्ट का थर्ड सेकंड का फोर्थ थर्ड का फर्स्ट फोर्थ का सेकंड ऑप्शन सी देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन ह्यूमन द सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट म्योट्रिक डिवीजन कब करता है मियोटिक डिवीजन होती है जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी ओसाइट की मियोसिस तब तक रुकी रहती है जब तक स्पर्म एंटर नहीं करता सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फोर्थ में इनकरेक्ट बताना था ये बच्चों ने गलत किया कई बच्चों ने इनकरेक्ट जो सही नहीं है तो ऑप्शन डी बनता है होमोलोगो स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कन्वर्जेंट का नहीं वो डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है कई बच्चों को ए ऑप्शन भी लग रहा था फ्लिपर ऑफ वेल एंड डॉल्फिन अब देखते हैं आंसर की में क्या होगा बट डी तो श्योर शोर -शोर्ट सही है Then इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन था हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे यहाँ पे हमारे पास बेटा फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रखी है जीरो पॉइंट सिक्स ए की अगर ए जीरो पॉइंट सिक्स है तो कैपिटल ए जीरो पॉइंट सिक्स है तो स्मॉल ए होगा जीरो पॉइंट फोर क्योंकि ए प्लस स्मॉल ए वन होता है हार्डी विनबर्ग में अब टू पी क्यू निकालना था क्यों? क्योंकि कैपिटल ए स्मोल है ना उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फिर फॉर्मूला होता पी स्केयर प्लस क्यू स्केर प्लस टू पी क्यू तो यहां पे टू इंटू पी इंटू क्यू दैट इज टू इंटू जीरो पॉइंट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट फोर इज जीरो पॉइंट फोर एट करेक्ट आंसर इन अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिल्कुल सही है ये ऑप्शन सी का सेवंथ में आएगा बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द टर्मिनेटर इज लोकेट वर्ड एनसीआर की लाइन है दैट इज प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड थ्री प्राइम तो सबने सही किया बट बटियों ने टेम्पलेट कर दिया द द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड वुमन विद नॉर्मल विजन है कलर ब्लाइंड फादर बेटा अगर उसका फादर कलर ब्लाइंड था तो मतलब उस फीमेल के पास एक एलील आएगा कलर ब्लाइंड का मतलब वो कैरियर होगी तो क्रॉस बनेगी एक्स सी एक्स क्रॉस विद एक्स वाई Normally हुआ मेल उसकी जो परसेंटेज आएगी बेटा परसेंटेज चांसेस ऑफ प्रोजेनी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वेक्टर फॉर डेंगू फीवर इज एड्स इजिप्टी नाम का मॉस्किटो होता है और फीमेल एडीज मॉस्किटो इसका आंसर आएगा टेंथ क्वेश्चन में करेक्ट कौन सा मैच नहीं हुआ मोनेस्कस पर सिट्रिक एसिड एस्पर्जिलस नाइगर आना चाहिए पर टैटिंग का होता है तो टेंथ का आ जाएगा ऑप्शन सी

नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास एजर्शन रीजनिंग कैटेगरी का है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन अक्कर ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन बिल्कुल हो सकती है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेडियस ये जो फिश का नेम क्लेरियस फिश का नेम दे रखा है ये एग्जांपल था बेटा फॉरेन स्पीशीज इन्वेजन का ये ओवर एक्सप्लोटेशन का नहीं था तो एजर्शन सही है रीजन भी सही है बट कोई कनेक्शन नहीं है ऑप्शन बी जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बिल्कुल सही है और करेक्ट रिलेशन भी, भी, भी ये शो कर रहे हैं क्लियर ये एजर्शन रीजनिंग बेटा दूसरे सेट के भी हो सकते हैं है. सारे एजर्शन रीजनिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो जैसे ही वीडियो खत्म होने वाली होगी मैं बाकी सेट्स के भी एजर्शन रीजनिंग डिस्कस करूंगा वायरस इन्फेक्टेड सेल कैन प्रोड्यूस इंटरफेरोन प्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल सही है इंटरफेरोन ये प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरोन कैन कोज इन्फ्लामेशन ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल ये इंफ्लामेशन कोज नहीं करते बेटा कैन कोज लिख रखा है बट इनफ्लामेशन तो कोज नहीं करेंगे तो एजर्शन सही है रीजन रोंग सो एजर्शन सही रीजन रोंग दैट इज ऑप्शन सी आर एन एज अनस्टेबल एंड कैन म्यूटेट एट फास्टर रेट बिल्कुल सही है आर एन ए अनस्टेबल होता है द प्रेजेंस ऑफ टू प्राइम ओ एच ग्रुप इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आर एन ए मेक्स इट लेबाइल एंड ईजिली डिग्रेडेबल बिल्कुल सही टू प्राइम पे ओ OH एच होता है जो कि एक रिएक्टिव ग्रुप है सो so, एजर्शन भी सही रीजन भी सही और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है Then उसके बाद नेक्स्ट अगर हम सेट की बात करें इसके अंदर कुछ एक जो हमारे पास एजर्शन uh, रीजनिंग uh, है वो सेम थे जो डिफरेंट एजर्शन रीजनिंग हमें मिला था वो एक ही मिला था दट इज सिक्सटींथ अर इम्बिनेट डीएनए विच इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बिटा गिलेक्ट्रोसाइडेस डज नॉट प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनीज ट्रीटेड विथ क्रोमोजेनिक सबसेट बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि वो इंसर्शनल एक्टिवेशन होता है रीजन में वही लिख रखा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन सिक्सटीन का बनेगा ऑप्शन ए नेक्स्ट जो सेट में एजर्शन रीजनिंग दे रखी है बेटा आर वाला ये भी करवा दिया वायरस इन्फेक्टेड सेल वाला भी करवा दिया क्लियर हाँ ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा स्पेसिफिक एंजाइम आर यूज टू डिग्रेड द सेल वोल इन ऑर्गेनिज्म टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द सेल बिल्कुल सही है बट फंगस के साथ सेलुलोज दे रखा है काइटे ने जाना था एजर्शन तो सही है रीजन रोंग है नेक्स्ट एक सेट के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज अ वैक्टर फॉर आर डी एन ए टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया तो नहीं यूज करते बाकी सारे यूज करते हैं सो बैक्टीरियल सेल विल बी द करेक्ट आंसर नोट करेक्टली मैच आपने कर लिया एलर्जिक रिएक्शन आर काउंटर्ड बाय काउंटर्ड मतलब जो उसको काउंटर क्रॉस करे -histamine, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज होता है एलर्जी में तो आएगा और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर ही रखा है जिसके अंदर आपको मैच द फॉलोइंग करना था फिर एक सेट में बेटा एक क्वेश्चन आ रखा था जिसके अंदर द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशो सिक्सटी इंडिविजुअल थे क्लियर हिट्रो जाएगा प्लांट कैपिटल टी टी क्रॉस विद स्मोल्टी स्मोल्टी जब क्रॉस किया तो हमारे पास क्या आएगा 50 50 परसेंट रेशो आएगी 30 हमारे पास चोला आएंगे 30 हमारे पास ड्राफ्ट आएंगे तो बेटा मैंने ये कोशिश की है जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर कर पाऊं इस एग्जाम के वो मैंने कर दिए हैं आप अपना स्कोर चेक करेंगे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो भी पूछ सकते हैं चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे गुड लक फॉर द फ्यूचर